तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? तुमने मर्डर किया है माहिरा, पूनम को मार दिया है तुमने और संजीव को मरने के लिए छोड़ दिया, तो कभी भी मर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है। होटल शाइनिंग मून 12 बजे आ जाना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। मुझे फंसाया जा रहा है। कौन? मनीष कालरा। हाँ सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो सामने आ। ये क्रिमिनल्स की तरह छुप-छुप कर भाग क्यों रहा है? सर आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे डाल दोगे, जबकि सच तो ये है कि पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू सरेंडर कर दे। लेकिन सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर तूने सरेंडर नहीं किया ना तो हम तेरा जीना दुश्वार कर देंगे और तेरे वो दोनों साथी कमलेश रंजन और पंकज दास को भी हम ढूंढ निकालेंगे। इस पड़ाव पर यह केस सबके सामने था। साफ था कि मनीष कालरा ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए 2 हिस्ट्री शीटर्स को पैसे दिए थे, लेकिन क्या यह केस वाकई में इतना साफ था जैसा कि सोचा जा रहा था? हारा तो गनसेलर उस्मान से की खबर हाथ लगी है, मेरी टीम वहां पहुंच रही है, मैं भी निकल रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से कोई मदद चाहिए? नहीं फिलहाल तो कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम उस्मान को तो पकड़ ही लेंगे, उसे तोड़कर बल्लू का पता तो मिल ही जाएगा। सर संजीव के फादर धनीराम को बल्लू का जो धमकी वाला कॉल आया, बस इतना समझ लो कि बहुत साजे खींच लिए हैं संजीव ने, अब और जीना है उसको तो मुझे पैसे दे दो। बेच नहीं हो पाया? सब फेक है सर, आईडी एड्रेस सब फर्जी यूज हुआ है। संजीव की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट हुई? पेशेंट ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड कर। डॉक्टर संजीव बात करने की कंडीशन में कब तक आ सकता है ये बता पाना मुश्किल, लेकिन इतना कन्फर्म है कि पेशेंट सर्वाइव कर जाए। यमुना जी यहाँ हॉस्पिटल में कोई माहिरा तलवार नाम की लड़की आई थी संजीव से मिलने? नहीं, पर ये माहिरा तलवार कौन है? मुझे पता था तू आएगी माहिरा। छोड़ो, तुम सिर्फ जबरदस्ती कर सकते हो ना। जबरदस्ती हो या मर्जी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता माहिरा। अगर मैं पुलिस को जाके ये बता दूं कि तुम मुझे हर्ट करने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो तो? अरे शौक से जाओ, अरे तुम्हें तो जाने की भी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे फोन से पुलिस को फोन कर दो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अरे पकड़ो, डर क्यों रही हो? उस वीडियो में तुम्हारा ऑडियो एकदम क्लियर सुनाई दे रहा माहिरा। तो अगर हमारी सारी दिक्कत ही पूनम है तो इस दिक्कत को जड़ से हटा देते हैं ना संजीव। सेम कॉफी शॉप, सेम टेबल, तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। शहर में बहुत सारी रॉबरीज हो रही है लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, तो ऐसी ही किसी एक रॉबरी में पूनम भी तो मर सकती है। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा, जेल की सलाखें, कभी सोचा है तुमने जेल में पुलिस तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी? खड़ी क्या हो, चल कपड़े उतारो। खेल खत्म उस्मान, गन नीचे रख दे, कोई होशियारी नहीं और मैं यही ठोक दूंगा। 3 सेकंड है तेरे पास, 1 2 नीचे रख दे गन, रख नीचे गन।
मेरे पीछे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। उस मनोज खोसला को उठाना चाहिए था आपको। पूनम के कहने पर तुमने किसे हायर किया था? इस सवाल का जवाब यह है कि ना तो मैंने किसी को हायर किया, ना ही पूनम के वाहियात ख्याल को पूरा करने में उसकी कोई हेल्प की। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आप रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, मेरे पीछे खबरें लगाएंगे, कॉल डिटेल्स निकलवाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है बड़ी सफाई के साथ किया है। सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप मनोज खोसला को उठाइए। ऐसा क्या जानते हो तुम मनोज खोसला के बारे में? शोर की दाढ़ी में तिनका, नर्वस है वो, उठाइए उसको। अच्छा, पूनम के बारे में एक बात और बताता हूँ आपको मैं। पूनम गर्दन तक धसी हुई थी कर्जे में, 1 करोड़ से ज्यादा। वो सारा पैसा मनीष कारला नाम के बंदे से लेती थी। पूनम की गर्दन थी उसके हाथ में, तो पूनम के पास मनोज की गर्दन दबा के पैसे निकलवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो मनोज खोसला पे जोर दे रही थी कि वो फ्लैट बेचकर हिस्सा दे दे। फ्लैट की कीमत थी 1 करोड़ 25 लाख। इतना सब कुछ जानते हो तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गिरीश? सर, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हम भी कर देते हैं। आपके ऑफिसर से जब बात हुई तब मैंने ठान लिया कि इस किलर को मैं भी ढूंढूंगा, और ढूंढना शुरू भी कर दिया। आपके ऑफिसर को मैंने संजीव का दूसरा नंबर दिया था। चेक कीजिए, देखिए माहिरा तलवार को ढूंढिए सर, उसके चैट मैसेज चेक कीजिए। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूनम ने ये प्लान रचा ही नहीं, रूट दिखाने का कोई एंगल था ही नहीं। सर, ये बात तो कोई भी अपनी परेशानी में अपने पर्सनल भड़ास निकालने के लिए कर सकता है, और पूनम ने भी सिर्फ और सिर्फ सोचा ही था, और वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब थी अपने पति और माहिरा के अफेयर को लेकर। आप मनोज खोसला को उठाइए, शायद कोई ठोस लीड दे दे आपको। और वैसे मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7। थैंक यू। हेलो, माहिरा तलवार जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरती त्रिवेदी बोल रही हूँ। जी बताइए। बात करनी है। कब आ सकती हो रसिक विहार पुलिस स्टेशन? मैम कल मेरा वीकली ऑफ है तो मैं कल आ सकती हूँ। ठीक है, सुबह 10:30 बजे रसिक विहार पुलिस स्टेशन। सर, ये है कमलेश रंजन का नंबर। सर, पर मैं जो करवाना चाहता था वो ऐसे नहीं होना था। तो और क्या क्या करना चाहता था मनीष कालरा? सर, पूनम के घर पे अटैक का प्लान था ही नहीं, और प्लान में उसके हस्बैंड संजीव को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था हमारा, क्योंकि सर उससे मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने पूनम को मारने के लिए कमलेश को सुपारी दी थी, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होने वाला था। सर, कमलेश ने मुझे बताया था कि वो इसे रोड एक्सीडेंट में करेगा, उसके घर पे नहीं, ताकि पूनम का मर्डर एक हादसा लगे। पूरा प्लान रेडी है सेठ, कुछ ही दिनों में आपका काम हो जाएगा। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था ना कमलेश? उन्हें मुझे आए दिन धमकी दे रही है, मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस के पास जाए। और एक तो तुम्हारा प्लान है कि... अरे सेठ, आप बेफिक्र रहिए, पूरी फील्डिंग हो चुकी है। पूनम कब पार्लर जाती है, किस रास्ते से घर जाती है, सब पता चल गया। किलिंग भी नहीं लगेगी, पूरा का पूरा एक्सीडेंट ही लगेगा। सर, कमलेश ने बताया था कि वो एक काम रोड एक्सीडेंट में करेगा, पर जो हुआ वो प्लान का हिस्सा था ही नहीं। मेरा भरोसा कीजिए सर। तेरा भरोसा करें मनीष कालरा? मर्डर की सुपारी दी तूने, और उस हिस्ट्री शीटर ने तुझे एक्सीडेंट बताया, उस हिस्ट्री शीटर की बात का भरोसा करें हम? साले कमलेश रंजन को भी लटकाऊंगा और साथ में तुझे भी। पूनम के मर्डर के बाद इसी नंबर पे बात हुई थी तेरी कमलेश के साथ, ये नंबर तो बंद है। उसने नहीं मारा है पूनम को, इनफैक्ट पूनम के मरने के बाद वो बाकी के पैसे तक लेने नहीं आया। और हम इस पर विश्वास कर ले? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये किसी और का काम है। मैं सिर्फ पूनम को मरवाना चाहता था, क्योंकि तंग आ गया था मैं उससे। एक तो मेरे लोन के 1.5 करोड़ रुपए नहीं लौटा रही थी, और ऊपर से सर दो नाव की सवारी में मेरा जीना मुश्किल हो गया था, फंस गया था सर मैं। तुमने आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं लौटाया है। पर हम तो लवर्स हैं ना मनीष? हाँ, लेकिन ये लोन हमारे लवर्स वाले एंगल का हिस्सा नहीं है पूनम। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मनीष? पूनम, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने वो पैसे तुम्हें ऐसे लोन दिए थे। मनीष, दोनों पार्लर को मिलाकर भी कुछ खास रिटर्न नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने दिवाली पर हैवी डिस्काउंट ऑफर रखा है। क्या पता बिजनेस पिक कर जाए। और ये बात तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है कि मार्केट स्लो डाउन है, इसलिए तो पैसे वापस मांग रहा हूँ। पूनम, मैं मार्केट से अलग नहीं हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत है। पर अचानक ये पैसों की बात कहाँ से आ गई मनीष? क्या मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रही जो तुम्हें खुशी दे सके?
जो तुम्हें चाहिए था। मुझे कोई एक तरफा नहीं मिला है पूनम, तुम्हें भी मुझसे सारी खुशियां मिली हैं। तुम्हें हो क्या गया है मनीष? पूनम, आज के बाद हम ऐसे नहीं मिलेंगे। आज ही आखिरी था। आज के बाद इट्स स्ट्रिक्टली बिजनेस। तुम प्लीज मेरे पैसे लौटा दो और भूल जाओ कि हमारे बीच में कुछ हुआ भी था। अवंतिका, am I right? उसी की वजह से तुम मेरे साथ ये कर रहे हो ना? तुम तो गए मनीष। बेस्ट लॉयर हायर करूंगी और रिद्धि मेरे साथ रहेगी, और एलिमनी में इतना पैसा मांगूंगी ना कि तुम सड़क पर आ जाओगे। अवंतिका, मैं सिर्फ सो रहे थे ना उसके साथ। मैं बह गया था अवंतिका, उन्हें बस मेरी क्लाइंट है। लेकिन अब तुम उसके क्लाइंट हो, और मैं उसके साथ गुलछरे उड़ाती हूँ। अब ये बात मैं सबको बताऊंगी, रिद्धि को भी और कोर्ट को भी। अवंतिका, हम बस फिजिकल हुए थे। एक बार डाइवोर्स हो जाना था, फिर मैं भी ढूंढ लूंगी किसी, सिर्फ फिजिकल होने के लिए। अवंतिका, चिल्लाओ मत, रहो उसी के पास, शादी करो या बाहर में जाओ, मैं तुम्हें रास्ते पर ला दूंगी, बर्बाद करके छोड़ूंगी। अवंतिका को अचानक सब कुछ पता चल गया, इसलिए अचानक तुम मुझे छोड़ रहे हो। अवंतिका मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, और हम दोनों के बीच में जो हो रहा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मनीष, तुम कैसी बात कर रही हो? पूनम, तुम्हारी खुद की फैमिली है, हस्बैंड है। हस्बैंड, राइट, हस्बैंड जिसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तो उसमें मैं क्या करूं पूनम? देखो, तुम प्लीज मेरे लोन के पैसे मुझे लौटा दो और भूल जाओ कि हम एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी थी, तो जब चाहो तुम मुंह उठाकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। सर, घर पे अवंतिका मुझे धमका रही थी और बाहर पूनम। सर, अवंतिका तो मेरी वाइफ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, पर पूनम ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। सर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मनीष, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ये सही नहीं है पूनम, तुम मेरे साथ थी क्योंकि तुम्हें भी अच्छा लग रहा था, पर अब नहीं। मुझसे भागना इतना भी आसान नहीं है मनीष। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। मैं भागने भी नहीं दूंगी मनीष। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रही है तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। लेकिन मैंने तुम्हारा किया क्या है पूनम? रेप किया है तुमने मेरा मनीष। मैं इनोसेंट मत बनू। तुमने मुझे लोन दिया, उसे वापस लेने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और जबरदस्ती रेप कर रहे हो। बस यही बात मैं पुलिस स्टेशन जाके बोल दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती पूनम। मैं बिल्कुल कर सकती, इनफैक्ट मैं ऐसा ही करूंगी। मैं दोनों के बीच में पिस्ता जा रहा था सर, लेकिन अपनी फैमिली की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं करवाया। ये डिसाइड हुआ था कि कमलेश इस हादसे को एक्सीडेंट का रूप देगा, पर यहाँ तो रॉबरी और मर्डर हुआ है सर। सर, ये किसी और का काम है। सर, अभी जो नंबर मैंने आपको दिया था, सर जब पूनम के मर्डर की खबर आई थी ना, तो मेरी इसी नंबर पर कमलेश से बात हुई थी। ये क्या कर दिया कमलेश, दिमाग खराब हो गया है? ये खबर पढ़ के मैं खुद हैरान हूँ सेठ। तुमने क्या कहा था? उसका एक्सीडेंट होगा। अरे सेठ, हमने कुछ किया ही नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा सेठ? मैंने सुपारी उठाई, काम किया होता तो आपको फोन करता, बैलेंस पेमेंट लेने आता, और हमने तो एक्सीडेंट सोचा था ना। पर किसी टेढ़ी खोपड़ी ने घर में घुस के मार दिया तुम्हें। सर, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने सुपारी दी थी, लेकिन प्लान एक्सीडेंट का ही था। साले, तेरे जैसे मास्टरमाइंड और कमलेश जैसे हिस्ट्री शीटर पर भरोसा करने लगे ना, तो हमें नौकरी छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। मैं गाजियाबाद निकल रहा हूँ, गन सेलर उस्मान शेख पकड़ा गया है। कमलेश, रंजन, पंकज दास के फोटो मिल गए सर, जल्दी पकड़े जाएंगे। आरती को मायरा और संजीव के चैट मैसेजेस मिले हैं, मायरा को बुलाया इंक्वायरी के लिए। उधर भी कोई प्लानिंग चल रही थी? अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है सर। संजीव और मायरा का भी अफेयर चल रहा था, पूनम से छुटकारा पाने की बात चल रही थी। जितने लोगों का पता चला, सबके पास अपना अपना मोटिव था, सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे। सर, ये पूनम का भाई मनोज खोसला, इसको भी उठवाता हूँ। इस रॉबरी कम मर्डर के पीछे के षड्यंत्र की दस्तक हर तरफ से आ रही। इल्जाम किसी पर भी लगाया जा सकता था, या तो पूनम पर जो मर चुकी थी, या फिर संजीव पर जो बेहोशी की हालत में था। हर एक का मकसद और इरादा बिल्कुल फिट हो रहा था, लेकिन असली गुनहगार अब भी पहुंच के बाहर था। मैंने बल्लू को 0.25 कोलेट गन बेची थी, ये मैं यादव साहब को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये वाला कांड किसने किया ये मैं नहीं जानता। मैं बस गन बेचता हूँ साहब, उसे चलाने का काम नहीं करता। बल्लू को कितनी गन्स बेची है? 2। कब? ये कोई 1 महीना पहले। मतलब उसके बेल पे बाहर आने के बाद? हाँ। कहाँ? अबे बाजार मत लगाओ उस्मान, सीधा वो 0.25 कोलेट निकालो, असाथ में 20 बोरियां। लग रहा है जज गई हाथ में। कहा था ना मक्खन है, मक्खन मक्खन तो है, सुनो साथ में से वो साइलेंसर भी देना। एक या दोनों के लिए? दोनों के लिए। 2 साइलेंसर खरीदे थे उसने? जी।
2.25 कोलेट गन, 20 गोलियां और 2 साइलेंसर्स। ये सारा सामान बल्लू ने करीब एक महीना पहले खरीदा है। मनोज को उठा लिया सर, उसे भी इंटरोगेट करूंगा। कर लो जायसवाल, लेकिन हमारा प्राइम सस्पेक्ट बल्लू ही है। मनीष कालरा भी शायद सच बोल रहा है कि उसने प्लान किया था सुपारी किलर कमलेश के साथ मिलकर, लेकिन काम जरूर बल्लू ही कर गया। सर मुझे माहिरा के चैट्स मिले, संजीव और किसी शोएब नाम के बंदे के साथ उसके जो चैट्स हैं उनसे काफी कुछ मिला है। शोएब के मैसेजेस से ये लग रहा है कि शोएब माहिरा को ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसने मैसेज भेजा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने कैसे प्लान बनाया और कैसे अंजाम दिया। मैं उन दोनों को भी अच्छे से जानता हूँ जिसे तुमने भेजा था, फोन करो। अभी शोएब कौन है? सर ये तो वही बताएगा, मैंने 2 कांस्टेबल भेजे उसे उठाने के लिए। और सर इन मैसेजेस से ये लगता है कि शोएब काफी कुछ जानता था और इसी वजह से वो माहिरा को ब्लैकमेल कर रहा था। ये हो क्या रहा है? मनीष का पूरा चिट्ठा खुलता है, वो एक्सीडेंट का प्लान बता रहा है। बल्लू का सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, गन्स खरीदना, साइलेंसर खरीदना, और अब ये शोएब और माहिरा की नई एंट्री हो रही है। सर इस केस में सबकी किसी न किसी से रंजिश रही है, यहाँ तक कि पूनम और संजीव के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं था। सब लोग बस एक मौके की तलाश में थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बलराम जलोटा उर्फ बल्लू की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू। माहिरा तलवार के एंगल को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसके चैट मैसेजेस से साफ पता चल रहा था कि वो भी पूनम से छुटकारा पाने की फिराक में थी। संजीव जो उन हमलावरों के बारे में बता सकता था वो अब भी बेहोश था। यार संजीव को होश ही नहीं आ रहा है, परेशानी की तो बात है यार। वो ऐसे ही रहेगा क्या पूरी लाइफ? नहीं यार ऐसे मत, सब ठीक हो। यमुना, संजीव के अकाउंट में तो सिर्फ 6 लाख रुपए, और वो बल्लू 15 लाख रुपए के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। संजीव देता भी तो कैसे? कैसी हालत में पहुंचा दिया हमारे बेटे को? डॉक्टर भी कुछ बता ही नहीं रहे संजीव को कब होश आएगा। बोल रहे बाकी सब ठीक है, जब सब ठीक है तो वो होश में क्यों नहीं आ रहा है? संजीव चोपड़ा के माता पिता इस बात से चिंतित थे कि संजीव को कब होश आएगा और कब उसकी हालत फिर पहले जैसी सामान्य होगी। वहीं दूसरी ओर पूनम के माता पिता अब भी अपनी बेटी को खोने के गम से उभर नहीं पाए थे, और ना ही उनके परिवार को यह अंदाजा था कि संजीव और पूनम के बीच वास्तव में हालात कितने बिगड़ चुके थे। हाँ, मेरे और पूनम के बीच में फ्लैट को लेकर नोकझोंक हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप उसके मर्डर को लेकर के मुझ पर शक करें। मैंने संजीव का नाम लिया इसलिए आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। तुमने संजीव पर तो आरोप लगाया पर अपने झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी तुम ये बताओ, पूनम के साथ झगड़े की वजह कोई और भी थी क्या? बिजनेस में लॉसेस की वजह से पूनम को फ्लैट में हिस्सा चाहिए था, वो फ्लैट जो मेरे फादर पहले ही मेरे नाम कर चुके थे। और तुम उसे कुछ देना नहीं चाहते थे, और अब तो देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो रही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहन पूनम को क्यों मारूंगा सर? पूनम ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसे संजीव से डर लगने लगा है, संजीव उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, और अब संजीव के फादर बीच में बल्लू का नाम घुसेड़ रहे हैं। सर आप ही सोचिए, बल्लू क्यों मांगेगा 15 लाख? एक शोषण मांगने वाले को यह पता होता है कि सामने वाला पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। संजीव का रियल एस्टेट का बिजनेस बिल्कुल ठंडा चल रहा था, और उधर पूनम, सर पूनम ने भी जो 3rd ब्रांच खोली थी अपने पार्लर की, उससे भी कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा था। सर पूनम ने बहुत पैसे लोन पे लिए हुए थे, और लाखों रुपए तो उसने संजीव को दिया था, उसके पैसे भी रख लिए और उसका मर्डर भी कर दिया संजीव ने। मर्डर करने का प्लान हमें तुम्हारी बहन की तरफ से भी मिला है? मिला होगा सर, और भी बहुत कुछ मिला होगा, संजीव और पूनम के अफेयर्स भी मिले होंगे। लेकिन सच सामने है सर, आज संजीव जिंदा है और मेरी बहन मर गई। अगर मेरी बहन ने ये प्लान किया होता तो आज वो जिंदा हो। सर आपको मेरे बारे में जो पता करना है, जिससे पूछताछ करनी है कर लीजिए, लेकिन सच यही है जो मैं कह रहा हूं, इन सब के पीछे संजीव है सर। गोली गलती से संजीव पे चल गई होगी और वो विक्टिम बन गया। कहो तो तुम्हारे और संजीव के सारे मैसेजेस दिखाऊं? काफी परेशान थे तुम दोनों, पूनम संजीव को नहीं छोड़ रही थी। तुम्हें लगा हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो पुलिस के रडार से बच जाओ। मैम हॉस्पिटल जाती भी तो क्या करती, संजीव से मिलने से पहले मुझे 1000 सवाल के जवाब देने पड़ते। संजीव और मैंने कई बार डिस्कस किया कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन संजीव में कभी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सीधा सीधा जाके पूनम से बात कर सके। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो? पूनम ना बहुत बहुत पसेसिव। तो क्या मैं ये समझूं
कि तुम मेरे साथ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हो? ऐसा नहीं है मायरा, मैं तुम बात समझने की कोशिश करो। पिछले एक डेढ़ साल से मेरा बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है और मैंने पूनम से बहुत सारे पैसे लिए और पूनम ने भी वो पैसे सामने से लोन पर उठाए। मतलब तुम उसे इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुमने उससे पैसे लिए? वो मुझे नहीं छोड़ेगी, बहुत खतरनाक औरत। क्या कहा तुमने संजीव? क्या कहा? तुम्हें अलग हो, तुम्हें ये अचानक हो क्या गया? जब से हम मिले तब से अब तक हम दोनों के बीच काफी कुछ बदल चुका है। साफ साफ बोलो क्या कहना है। मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में। मेरी लाइफ में कोई है? तुम पीछा कर रहे हो मेरा। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? क्या मतलब समझूं मैं कि तुम्हारे मतलब की कोई मिल गई है तुम्हें? नहीं। तुम अलग होने की सोच भी कैसे सकते हो संजीव? तुम्हारे लिए 50 लाख का लोन उठाया है मैंने और तुम बड़े आराम से हजम करके अलग होना चाहते हो मुझसे? नहीं, बस मैं सोच रहा था कि क्या वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से खुश है क्या? सब समझ में आ रहा है, समझ भी आ रहा है और दिख भी रहा है। तुम्हें कोई खुश करने वाली मिल गई और तुमने एक बढ़िया सी खिचड़ी बनाई और मुझे सर्व कर। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए संजीव, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी बात आगे बोल भी नहीं पाई थी कि संजीव ने सुनने से भी इनकार कर दिया। पर तुमने ये सोचा कि ये रॉबरी वाला प्लान काम कर जाए? हाँ, और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। जिसके मैसेजेस ट्रेस करके आप मुझ तक पहुँची हैं शोएब, उसने उस दिन मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और उसके बाद उसने मुझसे ज़बरदस्ती बहुत कुछ लिया है। मेरी इज्जत, शोएब कॉलेज में मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब नहीं है और ये बात उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। वो मेरा पीछा करता है, उस रिकॉर्डिंग से मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी कुछ लाइफ ही नहीं बची है। सब जानता है ना तू? बोल संजीव चौपाल घर में डाका किसने डाला? किसने डाका डाला? मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तूने माहिरा को ब्लैकमेल किया, उसे होटल में बुलाया, ब्लैकमेल करके उसे यूज किया। मैं तो उससे प्यार करता हूँ मैडम। भले इसको प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं इसे? बता वो दोनों किलर्स कौन थे, किसने भेजा था उन्हें माहिरा ने, बोल। मैडम मुझे सच में कुछ नहीं पता मैडम, मैंने तो बस संजीव और माहिरा की बातें सुनी थी और माहिरा को वापस पाने के लिए मैंने उनका वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल करने लग गया। मुझे माफ मैडम, मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। मैं माहिरा के भी पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर ये मनोज इस केस में फिट ही नहीं बैठता है, इसके पेरेंट्स तो ये सुनकर शॉक्ड हो गए थे कि भाई बहन के बीच फ्लैट को लेकर झगड़ा चल रहा था। मायरा से भी कुछ पता नहीं चला? तो शोएब कन्फेस कर रहा है वो मायरा को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था, कोई एंगल नहीं है। तब तो एक ही एंगल बचता है, बल्लू का। सबसे पहले उसी का नाम आया था, सब फिट बैठता उस पर। आनंदी बोल, बल्लू की कोई खबर? बल्लू की तो खबर नहीं मिली साहब, पर ये मनीष ने जिसको सुपारी दी थी कमलेश रंजन, वो वापस लौटा है, यहाँ हुसैन नगर में किराए पे कमरा उठाया है। तू नजर रख, मैं पहुंचता हूँ अभी। सर ये कमलेश रंजन वापस लौटा है, उठाओ उसे। ये तो साफ है कि पूनम चोपड़ा को मारने की सुपारी मनीष कालरा ने दी थी, लेकिन उसका कहना है कि मर्डर उसकी सुपारी पर नहीं। मनीष तो है हमारे पास लॉकअप, एक बार ये कमलेश हाथ लग जाए तो पता चल जाए कि कमलेश के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं उसने मनीष से कुछ झूठ तो नहीं बोला। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो वाला कमरा है साहब। हमारा निशाना कभी नहीं चूकता कमलेश रंजन। तुमने जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा मनीष, तुमने अपनी कब्र खुद खो दी। माफ कर दो मुझे, मैं तो बस सब पहले जैसा ठीक करना चाहता था। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा मनीष, सब कुछ बिगड़ चुका है। ये दरार तुमने पैदा की, खूनी बन गए तुम। कहाँ है तेरा साथी पंकज? पता नहीं साहब, ये कांड होने के बाद हम अपने अपने रास्ते निकल गए, उसके बाद बात नहीं हुई हमारी। वो कोलकाता की तरफ गया था। कैश कितना था और गहना कितना मिला? काहे का कैश? अबे वो कमलेश, ज्यादा होशियारी मत कर समझा, वो मनीष हमारे हाथ में है,
प्लान जानते हम। 3-4 और रॉबरी तेरे नाम पे डाल देंगे, गोली मार देंगे, कोई नहीं आएगा तुझे पूछने कमलेश। हाँ सर आप कर सकते हो, पर मुझे मारने से असली मुजरिम तो नहीं मिलेगा ना। मैं खुद हैरान हूँ, मनीष सेठ से सुपारी मैंने उठाया था। मैं और पंकज ये काम 16 तारीख को करने वाले थे। एक्सीडेंट के लिए हमने गाड़ी भी जुगाड़ लिया था, पर उससे पहले ही 14 की रात को कोई यह कांड कर दिया। तो सुपारी गैंग में तुझे खबर नहीं मिली कि एक ही आदमी की डबल सुपारी बट रही है? नहीं पता चला सर, जितों को जानता हूँ पूछ पूछ के थक गया हूँ। हेलो, नमस्कार, मैं गिरीश रावत प्राइवेट डिटेक्टिव, पहचाना? हाँ हाँ पहचाना, बोलो। मैंने आपसे कहा था कि मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। खबर क्या है तुम्हारे पास? तगड़ी खबर। आप चंडीगढ़ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बात की? उनके पास एक बॉडी है और उसकी खोपड़ी से बुलेट और उसके बगल से शेल बरामद है। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाइए, उसे देखिए। लाश को पूरी तरह से जला दिया गया था। वहाँ के फॉरेस्ट एरिया में एक महीने पहले चंडीगढ़ पुलिस को ये डेड बॉडी मिली। ये चंडीगढ़ वाले मर्डर केस में बुलेट 0.25 कॉलेट गन से चलाई गई। तुम्हें कैसे मालूम कि 0.25 कॉलेट गन हमारे केस में भी शामिल है? थैंक यू इंस्पेक्टर, आप तो तारीफ करेंगे नहीं तो सोचा मैं ही थैंक यू बोल देता हूँ। वैसे ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने चंडीगढ़ नेटवर्क से मिली थी। पर आज तक चंडीगढ़ पुलिस को ये नहीं मालूम कि डेड बॉडी किसकी है। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ जाए। 2.25 कॉलेट गन, 20 गोलियां और 2 साइलेंसर्स, ये सारा सामान बल्लू ने करीब एक महीना पहले खरीदा है। जी सर, जंगल में मिली थी बॉडी 17 सितंबर की बात, एकदम जली हुई कंडीशन में। आज तक पहचान नहीं हो पाई विक्टिम की, वैसे पहचानना मुश्किल है। ये मर्डर बलराम जलोटा उर्फ बल्लू का ही काम होगा। हाँ, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से वांटेड लिस्ट आई, उसमें फोटो मिला है उसका। बल्लू हमारे यहाँ से वांटेड है, मर्डर कम रॉबरी केस। मर्डर में यहाँ जो गन यूज हुई है वो 0.25 कॉलेट गन है, शायद तुम्हें भी यही मिला। हाँ यही है, बुलेट विक्टिम के स्कल से रिकवर हुआ था और सेल भी वहीं पास में पड़ा था। एफएसएल के पास ही है वो, और रिपोर्ट दी है उन्होंने कि गोली 0.25 कॉलेट गन से ही चली थी। मुझे एफएसएल से वो बुलेट चाहिए, मेरा ऑफिसर अंकुर सिन्हा ये कोऑर्डिनेट करेगा। बुलेट आपको मिल जाएगी सर, क्राइम सीन और बंट बॉडी के फोटो भी हैं हमारे पास, पर बॉडी हमने क्रिमिनेट कर दी। पर विक्टिम का डीएनए प्रिजर्व्ड है, आइडेंटिटी ट्रेस करने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कोई मिसिंग रिपोर्ट ही मैच नहीं हो पा रही। एक अनजान आदमी की चंडीगढ़ में हुई हत्या और उस हत्या में इस्तेमाल की गई गन का, संजीव और पूनम के घर पर हुई डकैती और हत्या के केस से निश्चित तौर पर संबंध था, मगर इन कड़ियों को जोड़ पाना और प्राइम सस्पेक्ट बलराम जलोटा और बल्लू तक पहुंच पाना पुलिस के लिए आसान साबित नहीं होने वाला। इस मामले में हॉस्पिटल से अभी कुछ और चीजें सामने आनी थी, जहां संजीव चोपड़ा धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। सर एक गुड न्यूज है, ये खबर मैंने आपको पहले इसलिए नहीं दी बिकॉज मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। संजीव चोपड़ा को होश आ गया डॉक्टर? जी हाँ, 3 दिन पहले। अब संजीव बात करने की कंडीशन में है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उम्मीद थी कि संजीव चोपड़ा होश में आकर उन्हें हमलावरों के बारे में बताएगा, कोई जानकारी या सुराग देगा, लेकिन क्या वाकई ये जानकारी कुछ अलग साबित होने वाली थी जो कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पहले से नहीं पता था? संजीव, कैसा लग रहा है संजीव? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं अब बड़े बड़े कितना वक्त बीत गया। पूनम के बारे में पता चला? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे बच गया। तुम्हारे फादर ने तुम्हारे कजन बल्लू का नाम लिया, वो धमका रहा था तुम्हें? हाँ सर, बल्लू ने ही धमकी दी थी, मुझे क्या पता था वो सच में ऐसा कुछ करेगा। पक्का वो बल्लू ही था? हाँ सर, वो बल्लू ही था। बल्लू ने मुझसे 15 लाख रुपए मांगे थे, मुझे क्या पता नहीं दूंगा तो अटैक करेगा। आपने पकड़ा बल्लू को सर? जल्द पकड़ लेंगे, अब तुम आराम करो। बस यही कंफर्म करना था कि ये सब कुछ बल्लू ने ही किया है। सर, बल्लू पकड़ा गया? हर जगह पुलिस अलर्ट है उसकी, जल्दी पकड़ा जाएगा। आप संजीव का ख्याल रखिए। दोनों भाई हैं, जसवंत गिल बड़ा और मनप्रीत गिल छोटा है, ऑलमोस्ट हर दिन दिखते हैं हॉस्पिटल में दोनों। संजीव और ये दोनों भाई ग्वालियर में एक साथ ही बड़े हुए हैं, ग्वालियर में संजीव के ग्रैंडफादर थे। सर, संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स में भी दोनों का नाम था। कुछ ठोस मिला है चंडीगढ़ केस में, वो बुलेट शेल
FSL ने भेजा है मुझे। उसी गन से चली या उनमें से किसी एक गन से? ये अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो बुलेट शेल है उसमें सीरीज नंबर है, वो उसी सीरियल नंबर के आसपास की है जो हमें संजीव के घर से मिली थी। 20 गोलियां खरीदी थी बल्लू ने। तुम्हें बाजार मत लगाओ उस्मान, सीधा वो 0.25 कोलेट निकालो और साथ में 20 गोलियां। थैंक्स अंकुर, शायद इस चंडीगढ़ वाली इन्फॉर्मेशन से बल्लू का कुछ पता चले। सर महीने भर से हम हर जगह हर पुलिस स्टेशन में तलाश, एक भी मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हो रहा है। आपके बोलने के बाद हमने सबको दोबारा से सारी डिटेल भेजी। सतीश, तुम चंडीगढ़ के 16 और 17 सितंबर के सीसीटीवी फुटेजेस दे सकते हो, खासकर टोल नाका और सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के। ठीक है, एक दो दिन दो मुझे, भिजवाता हूँ। जसवंत, वो बंदा दिखाई दे रहा है तुझे? कौन? वही जो बाइक के पास खड़ा लाइनिंग टी शर्ट वाला, वो दो दिन से यहीं दिखाई दे रहा है। हाँ यार, इसको तो हॉस्पिटल के अंदर भी देखा था मैंने। ये ले भाई। जसवंत, तुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? नहीं यार, लग तो नहीं। निकल जाए। नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी हम लोग रेडार में। हाँ, मनप्रीत और जसवंत संजीव के बचपन के दोस्त हैं। हाँ, पूछा था मैंने, बताया उन दोनों ने। पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछताछ करने की तो आदत है हमारी। वैसे धनीराम जी, आप मुझे बताइए कि जसवंत और मनप्रीत को कैसे पता चला कि संजीव हॉस्पिटल में है और उसकी वाइफ पूनम की डेथ हो गई है? आपने फोन किया था? जी नहीं, उन्होंने फोन किया था। सर, चंडीगढ़ के सीसीटीवी फुटेजेस के तकरीबन 60% फुटेजेस स्कैन कर रहे हैं, पर बल्लू कहीं भी नहीं दिख रहा है। डबल मर्डर केस में बल्लू पकड़ा गया, अंडर ट्रायल था। 2 महीने पहले वो बेल पर बाहर आया था। पहले महीने वो रेगुलर गाजियाबाद जेल में जाके हाजिरी देता था, उसके बाद वो वहां नहीं गया। 14 सितंबर लास्ट डेट थी जब वो हाजिरी देने गया था, उसके बाद से बल्लू किसी को दिखाई नहीं दिया। संजीव के घर कांड होने के बाद ना हमें दिखाई दे रहा है, ना चंडीगढ़ के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। ऐसे कहां जा सकता है कि किसी को दिखाई ना था? एक काम करो, संजीव के दोनों दोस्त जसवंत और मनप्रीत, इनको उठा लो। क्या पूछना है बाद में देखेंगे। जी सर। और बल्लू की माँ उषा, देखते ही गोली मार दीजिए बल्लू, मेरा बेटा नहीं है वो। उनको उठाना नहीं, उनका डीएनए सैंपल चाहिए। बल्लू किसी को दिखा नहीं और शायद अब दिखेगा भी। आपको मेरा डीएनए सैंपल चाहिए? आपका भी और आपके हस्बैंड हीरत जलोटा जी का भी। क्यों? उषा जी, हमें डाउट है कि बल्लू मर चुका है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अपराध का षड्यंत्र समझ आने लगा था। क्या हुआ यमुना? वो पुलिस जसवंत और मनप्रीत को लेके गई। अब पुलिस को जसवंत और मनप्रीत से क्या चाहिए? चंडीगढ़ से मिली अनजान लाश के प्रिजर्व किए गए डीएनए सैंपल्स बलराम जलोटा उर्फ बल्लू के माता पिता उषा और धीरज जलोटा के डीएनए सैंपल्स के साथ मैचिंग के लिए भेजे गए। बैठ जाओ। सिर्फ एक बार पूछूंगा, ये जली हुई बॉडी बल्लू की है ना? भूल के ना तो बोलना ही मत, सीसीटीवी में देखे हो तुम दोनों। हमारी मार झेल नहीं पाओगे, फिर आवाज नहीं चीख निकलेगी। लो, बन गई बोतल। इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? चलो अब लगाओ निशाना, बाएं आंख बंद करो, 1-2-3 में बोतल धड़ाम, और इतनी पास में बोतल बांधा है कि आसानी से बोतल फूटनी चाहिए। ठीक है? और टेंशन मत लो, इसमें ये साइलेंसर लगा है, किसी को सुनाई नहीं देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 3 तक गिनती में बोतल धड़ाम। 1-2
कौन है? ओ, कौन है ओए? कौन है? सर, प्लान हमारा नहीं था सर, हमें तो सिर्फ पैसे मिलने वाले थे और घर में कोई लूट भी नहीं हुई थी। तो चेक साइन कर देना यार संजीव। संजीव लाले पड़े, कब से तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है मनप्रीत। लेकिन काम तो हो गया ना यार, देख काम हो गया, अब पता नहीं कभी उठ भी पाऊंगा या नहीं। बोलता है काम तो हो गया। बोल संजू, क्या काम है? तेरे लिए जो भी होगा सब कर दूंगा। पूनम को मारना है, डाइवोर्स दे दे। पूनम ना मुझे डाइवोर्स देगी ना मुझे छोड़ेगी। पहले वो सारे पैसे लौटा दो जो मैंने तुम्हें लोन पर उठा कर दिए, उसके बाद इस कोठी पर मेरा नाम लिखवा दो। पूनम भरोसा करो मुझ पर, मैं डाइवोर्स के बाद में भी पैसे लौटा दूंगा। बेवकूफ समझाया क्या तुमने मुझे संजीव? हाँ, मनीष का लोन मेरे सर पर है तो इस बात का फायदा उठाकर तुम मुझे छोड़कर वो मायरा के साथ चले जाओ। पर यू नो व्हाट, मैं तुम दोनों को देखकर ना तो खुश हो पाऊंगी ना डाइवोर्स दे, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, रगड़ दूंगी तुम्हें। और ऐसा करने से तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आराम से नहीं है। और रही बात डाइवोर्स की, तो सोचना भी मत। हटा देंगे तुम्हारे रास्ते से गड्ढा, हमको क्या मिलेगा? तू बता। 15 लाख दिए, लेकिन तू ये कांड नहीं करेगा। तो तुम करोगे? मेरे दो दोस्तों को तैयार कर, गन चलने की ट्रेनिंग दे, वो करेंगे ऐसे। तभी तो पुलिस को लूट और रॉबरी का केस लगेगा, और मैं बोलूंगा कि तू एक्सट्रोशन के पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ गया था, तो पुलिस के रडार में आएगा ही नहीं और पुलिस तुझ तक पहुंच नहीं पाएगी। एक तरफ पुलिस को लूट और रॉबरी का केस लगेगा और दूसरी तरफ तेरा नाम आएगा एक्सट्रोशन। पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई और थोड़े दिनों में अपने आप ये केस बंद हो जाएगा। धन्यवाद मेरे भाई। मैं सोच रहा था कि अपने खानदान में सिर्फ क्रिमिनल बुद्धि ना मेरे पास है, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे की सोच रहे हो। कमाल है। जसवंत और मनप्रीत को सिखा गन कैसे चलाते हैं, गन पर साइलेंसर होना चाहिए। टेंशन मत लो, हो जाएगा। कब करना है फाइनल डेट बता। तू गन का इंतजाम कर, ट्रेनिंग दे, डेट में बता दो। सुनो, तुम दोनों को बल्लू के साथ चंडीगढ़ जाना होगा, तुम्हारी ट्रेनिंग वहां पर होगी, ठीक। और मनप्रीत, तुम्हें मुझ पर गोली चलानी, बल्लू तुम्हें बताएगा कि मुझे गोली कहाँ लगनी चाहिए, जहाँ लगने से मैं सेफ रहूंगा। और ध्यान से, कोई रिस्क नहीं चाहिए। डोंट वरी। और जसवंत, बल्लू तुम्हें बताएगा कि पूनम को गोली कहाँ लगनी चाहिए, जहाँ लगने से वो बचनी नहीं चाहिए। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होगी उस दिन बल्लू को गुरु दक्षिणा देना भूलना मत, गोली सीधे सर में लगनी चाहिए। बल्लू को मारना है? बचना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों संजीव? क्योंकि बल्लू मेन सस्पेक्ट होगा और पुलिस उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। उसे मारने के बाद इतनी अच्छी तरह से जलाना ताकि कोई पहचान ना सके, और पुलिस के हाथों सस्पेक्ट लगेगा ही नहीं, केस अपने आप बंद हो जाएगा। कितने पैसे देने वाला था संजीव? सर 5 लाख, पर गलती हो गई मेरे हाथ से। दो ही गोली चलानी थी लेकिन गलती से 3 गोली चल गई संजीव पर, और वो भी गलत जगह। तुझे ट्रेनिंग भी दी थी ना, 2 गोली बोला था, तूने 3 गोली चला दी, गिनती भी नहीं आती। क्या कुछ और प्लान कर रहा था तू? संजीव ऐसा नहीं है, गलती से चल गई थी, जानबूझ के नहीं किया। गलती हो गई यार, समझना। फुटो यहाँ से, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब पैसे की बात करेंगे। जा, निकलो यहाँ से। सर हमसे तो दोस्ती यारी में हो गया सर, आज तक कोई पैसा नहीं मिला सर, इसीलिए इतने दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे। पैसा नहीं, किलो के हिसाब से चार्जेस लगेंगे दोनों पर। ये तो नहीं पता तू कब फिर से ठीक होगा संजीव चोपड़ा, पर जब भी चलने फिरने लायक होगा तब हम लेंगे तेरी कस्टडी। डिवोर्स के लिए कोर्ट जाता, उसमें कम दिमाग खर्च होता तेरा, इतना दिमाग बेवकूफी वाले काम में लगा दिया और क्रिमिनल बन गया तू। संजीव के माता पिता इस खुलासे से हैरान थे कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उनके बेटे संजीव ने ऐसा क्रूर षड्यंत्र रचा।
मैं शुरू से ही कह रहा था आप लोगों को कि ये सब संजीव का किया हुआ। माहिरा ने पूनम से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली में हो रही रॉबरीज की आड़ में इस तरह से रॉबरी और मर्डर के बारे में सोचा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि असल में हुए अपराध में माहिरा की कोई भूमिका नहीं थी। डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। और मैच भी हो ही गया होगा। जी हाँ सर, वो जली हुई डेड बॉडी बलराम जलोटा उर्फ बल्लू की थी। ऐसी आपराधिक और खतरनाक बातें सोचने में हम इंसानों के दिमाग का कोई तोड़ नहीं। संजीव चोपड़ा, जसवंत गिल और उसके छोटे भाई मनप्रीत गिल पर बलराम जलोटा और पूनम चोपड़ा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के चार्जेस लगे हैं। पुलिस संजीव के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही है ताकि उसे कस्टडी में लिया जा सके। न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां किसी अपराध को अंजाम देने की लोगों की बेवकूफी भरी सोच उन्हें अपराध के ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां उनकी इच्छाओं के विपरीत ताउम्र उन्हें इसके नतीजों का सामना करना पड़ता है और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। फिर भी बार बार यही देखने को मिलता है कि जुर्म की सोच कई लोगों के दिमाग में पनपती ही रहती है। ऐसे मूर्खतापूर्ण अपराध के बारे में सोचते वक्त दिमाग इतना मजबूत कैसे हो जाता है, और वही दिमाग किसी टकराव की स्थिति से बाहर निकलने का आसान सा रास्ता खोजते वक्त इतना असहाय क्यों हो जाता है? डिवोर्स लेकर अलग होने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाएगी, न खुद की और न ही किसी और की। जुर्म की अंधी गली के आखिर में सिर्फ अंधेरा ही मिलता है, और साथ ही मिलता है अपराधी होने का अभिशाप और बचे हुए जीवन को पछतावे में काटने की सजा। क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ, और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।